बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर हमारे सीक्वेंस में आएगा 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 3 में जो है वो बेसिकली दिया है राइट द 5 रैशनल नंबर विच आर द स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 मतलब 2 से छोटे हो, ऐसे रैशनल नंबर लिखना है। तो आप बोलोगे सर 2 है तो माइनस में छाप दो तो भी चलेगा, माइनस में कोई भी नंबर लिखोगे सारे 2 से छोटे ही होने वाले, तो आपको वो ध्यान में रख सकते हैं ऐसे भी। और आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें लिखना है जैसे ये हो गए, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर हमें तो थोड़ा ऐसे नंबर लिखना है जो 2 से छोटे हो लेकिन लॉजिक वाले। जैसे समझ लो मैंने लिखा 5/2, तो आप बोलोगे सर ये नंबर छोटा नहीं है कैसे? तो आप करोगे 5 से यहाँ जो होगा 2 होगा तो 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 जो होगा वो 4 हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है या इक्वल टू होगा तो भी नहीं चलेगा। तो अभी आप बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ पे मुझे लिखना है 3/2, 3/2। तो आप बोलोगे सर देखो 3 का करेंगे ना तो 2 पहले बार रखेंगे यहाँ 3, 2 वंजा करेंगे 2 तो हो जाएगा 1। तो आप बोलोगे सर ये लिख सकते हैं। दूसरा मैं लिखता हूँ जैसे समझ लो 8/ यहाँ पे लेना है 12, तो आप बोलोगे सर इसका छोटा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2 से करो, 4 से करोगे तो 2 और यहाँ 3, 3 से करोगे तो ऑटोमेटिक ये कम ही होने वाला है 2/3। दूसरा मैं लिख सकता हूँ देखो 2/9, बाद में आप बोलोगे सर 2/8 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और बाद में लिखना है तो 3/9 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर लिख सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। कई जगह पे ऐसे रूल आते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों ये बहुत सिंपल लॉजिक था, ऊपर वाला लिखोगे तो भी सही है लेकिन पता होना चाहिए, बस उसके लिए हमने कर रहे हैं। अभी फोर्थ नंबर में सामने क्या दिया हुआ है बच्चों, फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये दो नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर डालना है बच्चे। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे जब भी ऐसे देता है तो आपको पहले तो वो दो नंबर लिखो, यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर देखो, एक में 2 है एक में 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 2 के साथ करो और यहाँ जो है वो 5 को यहाँ से करो तो करोगे -4/10 और यहाँ पे होगा 5/10, कितना होगा 5/10। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर ये -4 है ये 5 है, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो अब बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ नंबर तो आ सकते हैं लेकिन पूरे 5 नंबर लाना थोड़ा आगे पीछे होगा, तो उससे अच्छा है हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे। कितना कर दे बच्चा? 10 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 40/100 और यहाँ पे हो जाएगा 50/100। अभी आपको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना है कि 5 नंबर्स आर, यहाँ से शुरू करते हैं 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100। इसके साथ हमारा ये सम खत्म हुआ। ये हर एक सम में हम ऐसे ही करने वाले हैं बच्चों। फिफ्थ नंबर का जो सम है बेसिकली फिफ्थ वाला जो सम है ये इसके बेस पे ही है, तो पूरा कैलकुलेटेड डिटेल में करेंगे। ये आप शांति से कर लो, ये वीडियो को लाइक बच्चों जरूर करो। मिलेंगे हम आगे नए टॉपिक में, पूरा एक पॉइंट आगे डिस्कस कर रहे हैं।